दोस्तों कितने ही हाइपर ओएस थीम सर्च कर लिए हैं, लेकिन एक भी परफेक्टली आईफोन स्टाइल डॉक वाला थीम अपने नोट 13 प्रो 5G के लिए देखने को नहीं मिला। बट आज के इस वीडियो में हम इसे अपने नोट 13 प्रो 5G पे मैन्युअली क्रिएट करने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि डॉक के ऊपर जो सर्च बार होगा वो ना ही सिर्फ आईफोन जैसा दिखेगा बट एक्चुअली में वो काम करेगा। तो अगर आप भी काफी टाइम से आईफोन स्टाइल डॉक वाला थीम ढूंढ रहे थे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों इस आईफोन स्टाइल डॉक को अपने Xiaomi के डिवाइस पे क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च करना है KWLP और इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को ओपन करेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा, जहाँ सबसे पहले हमें इस टॉप के 3 डॉट को टैप करना है, फिर ऐप सेटिंग, फिर एडवांस सेटिंग और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है डिसेबल पैरेलल रेंडरिंग उसे इनेबल करना है, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद वापस से होम पेज पे आना है और ये टॉप पे क्रिएट वाले आइकन पे टैप करेंगे तो ये हमें एडिटर के मेन पेज पे ले जाएगा, जहाँ सबसे पहले हमें यहाँ डॉक के बार को क्रिएट करना है और उसके लिए हम इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे, फिर शेप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस शेप पे टैप करेंगे और पोजीशन वाले सेक्शन पे जाएंगे, फिर फर्स्ट ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसे बॉटम पे सेलेक्ट करेंगे जिससे कि ये शेप बॉटम पे आ जाएगा। उसके बाद हमें जाना है शेप के सेक्शन पे और ये जो स्क्वायर है उसे टैप करेंगे और इसे रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करेंगे, फिर ये जो विड्थ है इसे टैप करेंगे और इसे 666 पे सेट करेंगे। उसके बाद हाइट पे टैप करेंगे और इसे 163 पे सेट करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्नर, तो उसके लिए इस कॉर्नर पे टैप करेंगे और इसे 59 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर बार क्रिएट हो जाएगा। बट ये बार फिलहाल व्हाइट कलर में है तो इसमें हमें ब्लर ऐड करना होगा जिससे कि ये आईफोन डॉक जैसा लगे। तो उसके लिए इस एफएक्स यानी के इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे, फिर ये मास्क पे टैप करेंगे और इसे ब्लड बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस फिल्टर आइकन पे टैप करेंगे और इसे ब्राइटनेस पे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जो ब्राइटनेस अमाउंट है उसे 12 पे सेट करेंगे। उसके बाद जो ब्लर अमाउंट है उसे 100 पे सेट करेंगे। नेक्स्ट है इसका पोजिशन, तो उसके लिए हमें जाना है पोजीशन सेक्शन में, फिर ये जो वाई ऑफसेट है इसे टैप करके इसे 59 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे अपना रेक्टेंगुलर डॉक बार कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी है सर्च बार की, तो उसके लिए हम फिर से आएंगे मेन एडिटर पेज पे, फिर ये जो प्लस आइकन है इस पे टैप करेंगे और शेप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे भी वही सेम प्रोसेस से नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट इस सर्च बार के शेप को क्रिएट करना है तो उसके लिए इस शेप पे टैप करेंगे और इसे रेक्टेंगुलर पे सेलेक्ट करेंगे, फिर विड्थ पे टैप करेंगे और इसे 128 पे सेट करेंगे, वैसे ही हाइट पे टैप करेंगे और इसे 48 पे सेट करेंगे। अब बारी है कॉर्नर की, तो उसके लिए इस कॉर्नर पे टैप करेंगे और इसे 32 पे सेट करेंगे बट यहाँ पे भी ये व्हाइट कलर में है तो इसे भी ब्लर करेंगे जैसे कि नीचे वाले बार को किया था। नेक्स्ट है पोजीशन, तो उसके लिए हम पोजीशन सेक्शन में जाएंगे और जो वाई ऑफसेट है उसे 280 पे सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा सर्च बार क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो सर्च टेक्स्ट और मैग्नीफाइंग आइकन होता है उसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उसके लिए फिर से चलते हैं मेन एडिटर पेज पे, फिर इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस टेक्स्ट पे टैप करेंगे, फिर टेक्स्ट और यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च, फिर इसे ओके कर देंगे। नेक्स्ट है इस सर्च टेक्स्ट का फॉन्ट, तो उसके लिए इस फॉन्ट पे टैप करेंगे और सर्च करेंगे रोबोटो, फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और इसे बोल्ड पे सेलेक्ट करेंगे,
फिर इसका जो साइज है उसे 22 पे सेट करेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन, तो उसके लिए पोजीशन सेक्शन में जाएंगे और सबसे पहले इसके पोजीशन को बॉटम पे सेलेक्ट करेंगे, फिर जो एक्स ऑफसेट है उसे 12 पे सेट करेंगे, वहीं जो वाई ऑफसेट है उसे 290 पे सेट करेंगे। दोस्तों यहां पे हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि ये टेक्स्ट हमें विजिबल हो सके। तो उसके लिए हम चलते हैं एडिटर के मेन पेज पे, फिर बैकग्राउंड, फिर टाइप पे टैप करेंगे और इसे इमेज पे सेलेक्ट करेंगे, फिर ये जो पिक इमेज है इस पे टैप करेंगे और कोई भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है सर्च आइकन, तो उसके लिए फिर से इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे, फिर शेप और इस मैग्नीफाइंग आइकन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पोजीशन है उसे बॉटम पे सेलेक्ट करके एक्स ऑफसेट को -37 और वाई ऑफसेट को 279 पे सेट करेंगे। उसके बाद इसके साइज को 50 पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ये सर्च बार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सर्च बार का काम करना, तो उसके लिए इस टेक्स्ट पे टैप करेंगे, फिर सबसे लास्ट टच सेक्शन पे चले जाएंगे, फिर प्लस आइकन पे टैप करेंगे और इस नन पे टैप करके इसे लॉन्च ऐप पे सेलेक्ट करेंगे। लास्ट इस ऐप पे टैप करेंगे और यहाँ पे गूगल ऐप को सेलेक्ट करेंगे, फिर फाइनली ऊपर ये जो सेव वाला आइकन है इस पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आईफोन स्टाइल डॉक और सर्च बार क्रिएट हो जाएगा। वैसे हाँ, अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना हो तो इस KWLP ऐप पे जाना है, फिर करंटली एडिटिंग पे टैप करना है, फिर बैकग्राउंड, फिर पिक इमेज और कोई भी एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ऊपर ये सेव बटन पे टैप कर देना है। तो फिर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।